अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम आज भारत में सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, इनका असली नाम अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसिडोना था। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसिडोना में हुआ था, जो कि एक प्राचीन ग्रीक का राज्य था। उस समय इनकी उम्र 20 साल थी, जब इनके पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। वो मैसिडोना के शासक थे और फिर इनको राजगद्दी पर बैठाया गया था, इनको राजा बनाया गया था। मैसिडोना का ये शक्तिशाली शासक दुनिया के सबसे महान राजाओं में से एक था और इनका एक सपना था कि ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को जीतकर मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊं। तो सिकंदर महान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफी नॉलेजफुल रहने वाली है। वीडियो में एंड तक बने ही रहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला फैक्ट है, इनमें से अलेक्जेंडर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, अलेक्जीन। अलेक्जीन का मीनिंग क्या हुआ? टू प्रोटेक्ट। सेकंड वर्ड है एंड्रोज। एंड्रोज का मीनिंग क्या होता है? मैन, प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का रखवाला। अलेक्जेंडर के नाम का मतलब था मानवता का रखवाला। फैक्ट नंबर दो, अलेक्जेंडर द ग्रेट को शिक्षा के लिए दुनिया के महान फिलोसोफर में से एक एरिस्टोटल के पास भेज दिया गया और एरिस्टोटल के पास जब उनको भेजा गया, उनकी उम्र 13 साल थी और एरिस्टोटल ने उन्हें 3 साल तक पढ़ाया और उनकी पढ़ाई में मेनली लॉजिक की शिक्षा, रिलीजन की शिक्षा, फिलोसफी की शिक्षा और मोरल्स की शिक्षा उनको दी गई और अलेक्जेंडर द ग्रेट को महान शासक बनने के लिए एरिस्टोटल ने तैयार किया था और उनके मन में दुनिया जीतने की इच्छा भी एरिस्टोटल ने ही जगाई थी। फैक्ट नंबर थ्री, अलेक्जेंडर द ग्रेट को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम नाम की एक बीमारी थी, जिसमें उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। एक आंख उसकी नीले कलर की थी तो दूसरी आंख उसकी भूरे कलर की थी। फैक्ट नंबर फोर, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसके 12 साल के शासन में शुरुआत से लेकर उसकी मृत्यु तक उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, उसने सभी लड़ाइयों में अपनी विजय प्राप्त की। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो तकनीक और उसकी नीतियां थी, आज भी आर्मी के स्कूलों में आर्मी वाले सोल्जर्स को वह तकनीकियां सिखाई जाती हैं। फैक्ट नंबर फाइव, उस समय प्राचीन ग्रीक को जितनी भी पृथ्वी के देशों के बारे में जानकारी थी, उनमें से आधी से ज्यादा भूमि सिकंदर महान ने जीत ली। हालांकि वह सिर्फ पृथ्वी का 5% ही हिस्सा अपना कवर कर चुका था, लेकिन सिकंदर महान को दुनिया का विजेता इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय प्राचीन ग्रीक को सिर्फ इतनी ही जानकारी थी और सबसे पहली बार दुनिया को जीतने का सपना सिकंदर महान ने ही देखा था। फैक्ट नंबर सिक्स, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी, रोक्सोना, बारसीना और पेरिसेटिस। फैक्ट नंबर सेवन, कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की पत्नी रोक्सोना ने अलेक्जेंडर के 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों उसके पुत्र थे, जिनका नाम था इरेक्युलस और अलेक्जेंडर फोर्थ। और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके दोनों बेटों को मार दिया गया था। फैक्ट नंबर एट, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्सिया को जीतने के बाद वहां के लोगों से फैमिलियर होने के लिए और उनको अपनी सेना में भर्ती करने के लिए और उनकी मदद लेने के लिए उन्होंने उनके जैसा ही पहनावा अपना लिया था और उनके सभी ट्रेडिशंस में शामिल होने लग गए थे, ताकि फारसी लोगों की वह मदद पा सके। फैक्ट नंबर नाइन, भारत के राजा पुरु ने सिकंदर को सबसे ज्यादा टक्कर दी थी और पुरु उनका असली नाम था, लेकिन सिकंदर की सेना उन्हें राजा पोरस के नाम से बुलाती थी। जब सिकंदर भारत के ऊपर अटैक कर रहा था तो राजा की सेना ने उसे वहां पर रोक लिया और राजा की सेना ने उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव बनाया कि उनकी सेना राजा पुरु से घबरा गई और फिर सिकंदर वहीं से वापस लौट गया।
फैक्ट नंबर 10, सिकंदर के घोड़े का नाम बेसुफेलस था, जिसे सिकंदर बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था तो वह पंजाब पहुंच चुका था और पंजाब में झेलम नदी के किनारे उसके घोड़े की मौत हो गई थी, जहां पर सिकंदर ने पंजाब में दो शहर बसाए थे, उनमें से एक शहर का नाम बेसुफेला उसने रखा था। फैक्ट नंबर 11, सिकंदर के शासनकाल में उसने लगभग दुनिया के 70 शहरों को जीता था और उन 70 शहरों में से 22 शहरों को अपने नाम के ऊपर रखा था अलेक्जेंड्रिया नाम से, और एक शहर को उसने अपने घोड़े के नाम से बेसुफेला नाम से रखा था। मतलब जिस भी शहर को वह जीतता था उनमें से लगभग सभी शहरों के नाम वह अपने नाम के ऊपर रखता था। फैक्ट नंबर 12, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, उसी शहर में जिस शहर को वह अपने ग्रीक की राजधानी बनाना चाहता था। ऐसा लोगों का मानना है कि राजा पोरस के साथ हुए युद्ध में एक जहर से भरे तीर से वह घातक घायल हो गया था और वापस आते हुए बेबीलोन शहर में उसकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 13, आज की वीडियो का सिकंदर महान का सबसे आखिरी फैक्ट। प्लूटार्क, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो अपनी बुक लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स में लिखते हैं कि सिकंदर महान की बॉडी से सुगंध आती थी, जो कि इसके कपड़ों को सुगंधित रखती थी। इस वीडियो में हमने सिकंदर महान के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ नॉलेजफुल फैक्ट्स हमने शेयर किए हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।